जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और लेजेंडरी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी दरअसल कानूनी दावपेच में फंस गई हैं। उन पर यह आरोप लगा है कि 2018 में उन्हें दिल्ली आना था एक प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 30 लाख रुपए की रकम दी गई थी, जिसकी असल कीमत तकरीबन 28 लाख विद GST थी और उसके बावजूद भी वो उस प्रोग्राम में नहीं पहुंची थी। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ 4 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ACJM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश भी दिए गए हैं। सोनाक्षी पर आरोप लगाने वाले प्रमोद शर्मा का कहना है कि सोनाक्षी की वजह से उनका 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रमोद शर्मा ने एक इवेंट प्लान किया था, जिसमें सोनाक्षी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। हालांकि सोनाक्षी को फ्लाइट के पैसे दिए गए थे और पूरी रकम पहले ही दे दी गई थी, लेकिन सोनाक्षी नहीं आई थी। 2019 में सोनाक्षी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वहीं ये आरोप है कि सोनाक्षी सिन्हा कथित तौर पर इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने मुरादाबाद आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार एब्सेंट रहने के कारण अब कोर्ट ने सोनाक्षी के खिलाफ धोखाधड़ी के इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगर वो आने वाली 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।